हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि आईटीआर भरने के मात्र 3 दिन बाद ही जो है टीडीएस का पैसा वो रिफंड हो गया है। दोस्तों अगर आप एक एपीएस संचालक हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी के हो, पे नियर बाई हो, स्पाइस मनी हो, फिनो पेमेंट बैंक हो, सीएससी का डीजी पे चलाते हो, या तो दोस्तों आप किसी भी बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं, या तो दोस्तों आप सीएससी यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं, तो दोस्तों 31 जुलाई 2022 तक इसका लास्ट डेट है आईटीआर भरने का। आप अपना आईटीआर 100% भर दें। और दोस्तों अगर आपको भरना आता है, अगर आप एक प्रोफेशनल भरने वाले हैं, तब जाके अपने हाथ से आपको खुद से भरना है आईटीआर। अदरवाइज दोस्तों आप किसी प्रोफेशनल से ही अपना आईटीआर भरवाएं। अगर दोस्तों आपका टीडीएस अमाउंट ज्यादा है तो 100% मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी प्रोफेशनल व्यक्ति से ही अपना आईटीआर भरवाएं। अदरवाइज ये दोस्तों हो सकता है कि आपका टीडीएस आपको रिफंड ना हो। तो दोस्तों मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे ले चलता हूं और दिखाता हूं कि किस दिन को मैंने अपना आईटीआर भरा था और दोस्तों ये किस दिन को हमारा जो टीडीएस है वो हमारे खाते में आ गया है। तो चलिए दोस्तों अपने लैपटॉप स्क्रीन पे ले चलते हैं। अभी दोस्तों देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूँ। दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप चाहें तो डायरेक्ट वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं लॉगिन करके और मैं अपना यहाँ पे आईडी पासवर्ड फिलअप करके मैं अपने पोर्टल को सबसे पहले लॉगिन कर देता हूँ अपने यूज़र आईडी से। इसमें मैं लॉगिन हो जाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपना पैन नंबर टाइप कर देता हूँ और फिर यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों आपको इस वाले बॉक्स में चेक करना है और चेक करने के बाद से पासवर्ड टाइप करना है और पासवर्ड टाइप करने के बाद से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये पोर्टल हमारा लॉगिन हो गया है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 जुलाई 2012 को ये हमारा असेसमेंट ईयर 2022-23 का हमने यहाँ पे फिलअप किया है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको अपने ऑनलाइन नेट बैंकिंग जिसमें हमारा टीडीएस रिफंड आया है मैं उसको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों हमारा जो इसमें अकाउंट मैंने दिया है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दिया है। तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेट बैंकिंग से आपको लॉगिन करके मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। अभी दोस्तों हमारा जो स्टेट बैंक का नेट बैंकिंग है वो लॉगिन हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा नाम भी लिख के आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं क्लिक हियर 10 ट्रांजेक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा नाम भी यहाँ पे शो कर रहा है राजीव गुप्ता। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 जुलाई 2022 बल्क पोस्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यहाँ पे इस शॉर्ट में लिखा हुआ है आईटीडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, टैक्स रिफंड असेसमेंट ईयर 2022-23 पैन नंबर, यहाँ पे मेरा पैन नंबर भी शो कर रहा है। दोस्तों इसको सिक्योरिटी रीजन के लिए मैं अपना पैन नंबर जो है वो उसको हाइड करके रखा हूँ। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिट अमाउंट 1430 रुपये जो है वो हमारे खाते में रिफंड हो गया है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने भरा किस डेट को है, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने भरा है 13 जुलाई 2022 को। और दोस्तों यहाँ पे 16 जुलाई 2022 को हमारे खाते में ये जो है अमाउंट आ गया है। तो दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाया है। पहले जो है अभी जो हम लोग अपना इनकम टैक्स का फॉर्म भरते हैं उसका जो रिफंड आता था टीडीएस का वो सितंबर में आता था, किसी का नवंबर में आता था, किसी का दिसंबर में आता था। मतलब जिसका बहुत पहले आता था उसका सितंबर में आता था, सितंबर से पहले किसी का नहीं आता था। बट दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 दिन में ही दोस्तों यहाँ पर जो है वो टीडीएस रिफंड हो जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपका 500 है, 1000 है, 1500 है, 2000 है, 10000 है, 15000 है, जितना भी है, आप अपना समय से अपना आईटीआर भर दें ताकि आपका जो टीडीएस है वो आपके खाते में रिफंड आ जाए। तो दोस्तों ये एक छोटी सी लाइव प्रूफ थी आपके लिए कि मैंने भरा और 3 दिन में जो है वो टीडीएस रिफंड हो गया है। तो दोस्तों 31 जुलाई लास्ट डेट है, उससे पहले भर दें क्योंकि दोस्तों इस बार 31 जुलाई के बाद से ही फाइन लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप समय से अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर दें और भर के अपना जो भी टीडीएस अमाउंट है वो रिफंड करा लें। तो दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।